Hi, I'm and subscribe to Sidat Kanan's YouTube channel now. Thirty years, me, Khiladi, Tuwani, Baziyaar, Life in a Metro, the list goes on. But one thing is.

दैट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग क्यों ऐसे भी मर्द है सुन लो दुनिया गौर से सुनो इस प्राणी को <laughs> इस प्राणी को <laughs> अचंबित ना हो <हुँ. laughs> <laughs> अब मुझे वर्ड्स फेंक रही है आप राइट right? <laughs> नहीं बट यू नो वही तो मैं बोल रही हूँ तो ये जो आप एक्साइटेडली बोल रहे हो क्योंकि आप सुखी हैं अपनी शादी शादीशुदा जिंदगी में इट्स बिकॉज यू आर मेकिंग योर वाइफ हैप्पी ऑल्सो अगर हम इसी के बारे में सोचें और गौर करें कि जो मैरिजिज होती हैं वो कमिटमेंट तो हैं बट यू शुड ऑल्सो भी कमिटेड टू मेकिंग वॉन्टिंग टू मेक इच अदर हैप्पी एंड नॉट जस्ट वॉन्टिंग टू कीप योर सेल्वज हैप्पी दैट्स वाई मोस्ट मैरिजिज गो रॉन्ग राइट सो सुखी इज अबाउट दैट वो सब कुछ छोड़ छाड़ के uh, अपनी फैमिली को छोड़ के इलोप करती है uh, उसके लव के साथ उसके प्यार के साथ और 20 साल के बाद वो रियलाइज करती है कि जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था उसने उसको पूरी तरीके से बदल दिया है ऑल द थिंग्स एट ही लव्ड अबाउट ही हैज़ चेंज अबाउट हम समाइम्स समटाइम्स मैं बोल रही हूँ मैन कैन बिकम अ लिटिल सेल्फिश यू नो एंड women अलाउ देम टू बी सेल्फिश बिकॉज दे फॉर देम इट्स अबाउट देयर फैमिली एवरीथिंग एल्स टेक्स प्रेसिडेंस इवन इवन देयर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट टेक्स अ बैक सीट तो वो गिल्ट में रहती हैं कि मेरे पास दिन में इतने घंटे हैं मुझे सबको केटर करना है तो अच्छा एक घंटा बच गया है मैं सालों जाऊँ कि मैं अरे मेरे पंद्रह साल की बेटी है उसका होमवर्क भी करना है चलो मैं उसका होमवर्क करवा देती हूँ तो आई एम लाइक वाई आई कॉन्ट यू वो पंद्रह साल की बेटी है पंद्रह साल की शी इज़ ओल्ड इन आफ यू नो शी कैन लुक आफ्टर होर सेल्फ टिल यू डो नॉट मेक हर सेल्फ़ रिलायंट वो कभी सीखेगी नहीं हाँ अगर बच्ची छोटी है तो अलग चीज़ है बट आप इतना करते हो और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि बच्चे आप पर डिपेंडेंट नहीं होंगे आप बच्चे पे फिर भी डिपेंडेंट होते हो जाते mm. हैं दे डोंट नीड यू आफ्टर अ पॉइंट इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वो एंड देन यू रियलाइज कि अरे यार उस टाइम में मुझे वो करना चाहिए था सो बिफोर इट्स नॉट टू लेट आई जस्ट वॉन्ट पीपल एंड स्पेशली वुमेन टू नो इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक अगर आप खुश रखना चाहते हैं अगर आप सुखी रखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं अपनी फैमिली को अपने पति को तो आपने जो बात कही कितनी कमाल की बात है कि आपने कहा आपने कहा अपनी बीवी से कि आप अकेले जाओ छुट्टी पे एक ब्रेक ले लो लेकिन मैं ये भी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपकी परवरिश ऐसी हुई होगी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मदर ने आपको जन्म दिया है और आपकी परवरिश की है उस उन्होंने तो वो क्या बात थी जो आपको लगा कि आपने आप आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी स्ट्रोंग फीमेल इन्फ्लुंस रहा है कि आपको लगा है कि

ट मी टेल यू जितना भी नॉलेज उन्होंने गेन किया इट हेल्प इन टू शी वॉज अ वर्किंग मदर शी ब्रॉट आज तक मेरी मम्मी जब रूम में आती है न, मुझे कहता है like yeah. okay, mm -hmm. सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है एक रूल जो आपने अपने, अपने फिल्मोग्राफी में या करियर में तोड़ी जो उस वक्त तोड़ने में मुश्किल था बट जब तोड़ा And you look back, आपने कहा थैंक गॉड मैंने ये तोड़ा वो क्या है uh, uh, मैंने बहुत सारे ऐसे डिसीजनस लिए जो उस वक्त लोगों को लगा शायद नहीं करना चाहिए था uh, जब भी लोगों ने एक्सपेक्ट किया कुछ मुझसे वही चीज़ एक्सपेक्ट करते रहे कि अरे ग्लैमरस ही रहेगी मैंने धड़कन uh, जैसी फ़िल्म की फिर उसके बाद मैंने आ, फिर मिलेंगे जैसी फ़िल्म की मैंने कॉमेडी जॉनर में रिश्ते की थी जो बहुत मुश्किल कैरेक्टर था मेरे लिए फिर मैंने लाइफ इन मेट्रो की तो किरदार तो बहुत रहे मेरी ज़िंदगी में लेकिन कभी भी आ, मुझे एक्टर का खिताब मिला नहीं यू नो आई ऑलवेज़ गॉट

गर्व के साथ बोल सकती हूँ कि जो मुझे मिला उसमें मैंने चूज़ किया उसमें से मैंने चूज़ किया और आ, मैं खुश थी मैं सुखी थी तब भी आ, काम कम हो ज़्यादा हो मुझे ऐसे लगा कि आई थिंक मैं सर्वाइव कर कर पाई क्योंकि इतना देखा नहीं मेरा लोगों ने इन टर्म्स ऑफ टैलेंट तो आज भी सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे रे शिल्पा ये भी कर सकती है तो मुझे लगता है कि वो पेस आउट किया मेरे करियर में मेरे किरदारों ने आ, मुझे बर्न आउट नहीं होने हुन, दिया आ, तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी फिल्म फिल्म मेकरों को कि उनको लगा कि मैं उस टाइम में नहीं कर पाई वो काम तो मैं आज कर पा रही हूँ मुझे याद है जब फिर मिलेंगे परसेप्ट पिक्चर कंपनी ने किया था बहुत ही घट सी रोल था जी. उस समय लोग बात कर रहे थे कि यार नहीं कर पाएगी नहीं कर पाएगी और आपने किया बहुत ही अंडरस्टेटेड परफॉर्मेंस था आपका राइट

पता नहीं मैं प्रोफेशनल पर्सनल लोज से गुजरी और उन्होंने बोला कि नेवर लूज़ फेथ एंड यू हैव टू कीप यू नो वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड यू हैव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ तो बस मैं काम करती गई लेकिन एक्चुअली uh, मुझे याद आया आपके प्रीवियस क्वेश्चन uh, का मैं जवाब देना चाहूँगी फिल्मों से ज़्यादा आई थिंक ब्रेकिंग द मोल्ड फॉर मी वॉज डूइंग बिग ब्रदर इंटरनेशनल कहीं आप तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है पोएटिक जस्टिस मुझे वहाँ पे मिला बहुत एक्टर बहुत सारे हिट फिल्मों के साथ उनको आई थिंक दे डिन गेट और इन्जॉय द काइंड ऑफ फेम और एडुलेशन दैट आई यू नो दैट आई गॉट वर्ल्ड वाइड शो एंड नॉर्मली जब आप एक्टर uh, होते हैं ना तो आपको श्रेय मिलता है एक किरदार को करने के लिए

प्रोटेक्टेड रही थी तब तक बहुत प्रोटेक्टेड थी अब आई माई पेरेंट माई मॉम ऑलवेज व ट्रैवल विथ मी ऑन आउटडोरस मैंने काम करना शुरू किया था सत्रह साल की उम्र में तो डैडी ने बहुत क्लियरली बोल दिया था मम्मी को कि सिर्फ एक शर्त पे ओनली इफ यू आर गु ट्रेवल वो आई ऑलवेज आई थिंक आई वॉज ऑलवेज लिटिल टिमिट इन माई पर्सनल लाइफ एंड Up until the time I did Big Brother, I was, I was really dependent on my mom and my, and my parents. I didn't even have a credit card. till Like, I think two years before I went into the house. So, I think it taught me to become independent. Wow. Yeah, to be on my own. So, it was a great experience for me. You know, we were just talking about this. We our companions, men, who are

मैं आज काम कर सकती हूँ और मैंने ये मुकाम हासिल किया इनफैक्ट आई फील आई रीच और आई यू नो आई रीच मच हायर आफ्टर माई माई मैरिज टू राज बिकॉज ही इज़ अ वेरी प्राउड हजबेंड एंड ही लव्स मी इवन एज एन आर्टिस्ट तो ही फील्स आई शुड गो आउट द इनफैक्ट उसने उन्होंने बोला था मुझे कि सुखी करो मैं करने वाली नहीं थी या आई वॉज सो इनगल्फ विद सो मेनी थिंग्स एंड आई वॉज इन द राइट माइंड स्पेस And uh, he told me, you know, what you should do, Suki. It's such a beautiful story. And I, I know you will do it justice. So, I am very fortunate. And there are so many ladies who are very fortunate because they have friendships. Uh, so, Suki, I feel, somewhere focuses on uh, understanding and friendship and how marriages can become easier and simplified with just some small tweaks. You can tell. सुखी मोमेंट्स इन स्टार्स के साथ जो आप रिकाउंट कर सकते हैं शाहरुख खान के साथ बहुत सुखी मोमेंट्स थे बिकॉज आई वॉज अ यू कम एंड उन्होंने बहुत पेशेंस uh, के साथ मेरे साथ काम किया क्योंकि मुझे ना हिंदी आती थी ना एक्टिंग <laughs> uh, तो मैंने जो भी सीखा उस प्रोसेस में uh, शाहरुख से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे क्योंकि हीरोज़ अ थिएटर एक्टर एंड कैमरे को फेस कैसे करना है और जिस uh, जिस पेशेंस के साथ उन्होंने मुझे सीन्स uh, में हेल्प किया वो बहुत ही सुखी मोमेंट्स रहे हैं मेरे लिए सलमान लुक <laughs> <laughs> <like that> <laughs> सुखी आई मीन ही इज़ ही इज़ अ ब्रैट सो बहुत बहुत काम किया मैंने उनके साथ लेकिन आई थिंक यू नो जिन्होंने उनके साथ काम किया है और जो उनको समझते हैं uh, <laughs> क्या है उनका डायलॉग वो uh, मैं समझ में नहीं सिर्फ दिल में आता हूँ कुछ कुछ बोला और सो सो बिफिटिंग फॉर सलमान ही इज ऑल हार्ट अगर वो आपको लाइक like करते हैं तो ही गो ऑल आउट फॉर यू सो ही इज अ ट्रू फ्रेंड्स फ्रेंड लास्ट सेगमेंट सिट के अंगार

क्लास अट ग्लैमर के साथ साथ टू बी एन एक्टर एंड टू बी रिकनाइजर या दैट इज द कांड जो आपने रिसेंटली अपने बारे में सेल्फ डिस्कवर किया वो क्या है क्या yeah, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ अरे वो तो पैदा पर पैदा ही तुम टैलेंटेड <laughs> हुई हो यार अभी पता चला कैनो आई एम रियली आस्किंग डू यू फील योर नाउ आपको लगा कि यार लोग आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं क्योंकि आपने कहीं yes. कहा था आई वाज नॉट कंसीडर्ड एज द टॉप 10 एक्ट्रेसेस अभी 10 ही एक्ट्रेसेस थी तो मैं शायद मैं कहीं नीचे थी नॉट नॉट लाइक दैट मे बी आई एम अ लिटिल सेल्फ डेप्रिकेटिंग आल्सो अह आई आई वाज ऑलवेज आई गॉट अ लॉट ऑफ फेम मैं खिलाड़ी तू आडी आई वॉज वन ऑफ़ द टॉप सो इट्स नॉट नॉट लाइक आई 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 मैं उनकी जस्ट इट बिकॉज मे बी हैड अ वेरी लॉन्ग करियर सो दे सो मेनी लोज ऑल्सो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये रोल मुझे क्यों नहीं ऑफर किया गया या वाई आई वॉज आई नेवर ऑफर्ड अ फिल्म विद यू नो द बिग बैनर्स मैंने जो भी मुकाम हासिल किया है वो मैंने छोटी फिल्मों के साथ बड़े एक्टरों के साथ बट छोटे छोटे फिल्मों फिल्मों में मैंने छोटे छोटे किरदार किए और मेरी पिक्चरें चले नहीं चले मेरे मेरे जितने भी गाने थे वो सारे हिट हुए तो गानों की वजह से मैं अभी भी जिंदा हूँ तो आई डोंट नो वॉट इट इज़ मे बी इट इज़ अ ब्लेसिंग इट वॉज़ प्रोविडेंस दैट पीपल लव्ड मी एंड वॉच्ड मी एंड स्टिल कंटिन्यू टू लव मी वो जरिया बना देते मेरे लिए सो आई डोंट नो इफ़ आई वॉज रियली और पैसों के लिए तो मैंने कभी काम किया नहीं बहुत ऐसी पिक्चरें हैं नाइन्टीज में जो बन गई और प्रोड्यूसर बोलते थे अरे यार नुकसान हो गया हमारा तो बाकी के पैसे भी नहीं आते थे यार रियली? या या नहीं यार अभी नहीं होता अभी ऐसे डिफरेंट no, नो रिग्रेट करती है कि आपने नहीं किया मैं बहुत ऐसी फिल्म का नाम बोल सकती हूँ जो मैंने रिग्रेट किया है करते हुए <laughs> करके <laughs> <laughs> नहीं oh, huh? मैं एक बार एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर uh, तो huh? अभी जो होना होता है वो उसको होने को कोई टाल नहीं सकता hmm. और वो हो गया है तो मैं उसके ऊपर uh, ज्यादा ध्यान ना देते हुए आई डोंट नो आई डोंट थिंक अबाउट फिल्म आई हैव नॉट डन एंड आई डोंट थिंक अबाउट फिल्म What's happened? Does happened. Live for the moment. Of आखरी sawal. does it help marrying someone from outside the industry? मैं तो मानता हूँ जो मैं करता हूँ, मैं believe करता हूँ बाहर होना ज़रूरी होता है क्यों perspective अलग चीज़ होती है conversations अलग होता है instead of just film and all that stuff Na? You see, I, I could have married someone from the industry, but I did not want to marry for, you know, into the industry, or rather get married to someone from the industry. आपका कारण क्या था? मेरा बहुत सिंपल कारण कारण था उस वक्त कि मेरी लाइफ ऑलरेडी इतनी इराटिक है और मैं जानती हूँ कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री से आ, फिल्म इंडस्ट्री में बिलोंग करते हो तो प्रोड्यूसर हो एक्टर हो कभी भी यू नो यू हैव टू बी देयर एंड यू हैव टू यू नो मेक योर सेल्फ अवेलेबल इट्स नॉट एन ईजी जॉब दिखता बहुत ग्लैमरस है तो मैंने डिसाइड किया था मैं डॉक्टर से और फिल्म इंडस्ट्री से उनके साथ मैं शादी नहीं करना चाहती इंडस्ट्री दोनों हीज टू बी देर एंड जो भी नसीब में लिखा होता है वो ही होता है सो so, आई नाम okay. आई एम ऑल्सो नॉट वर्किंग दैट मच तो अभी मैं जब काम करूँ जब मैं घर से निकलूँ मुझे ऐसा लगना चाहिए कि या ये टाइम जो मैं बाहर बिता रही हूँ ये वर्थ होना चाहिए आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम माई चिल्ड्रन माई हस्बैंड सो इट्स एन इन्वेस्टमेंट तो या सो नाम ओके यूर नॉट ओके योर सुखी एंड योर फैप थैंक यू शिल्पा